बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भरतरी रोड बहरोड, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नौदेव, ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, आईआईटी नीट के अलग से बैच प्रारंभ, आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं, फैसला आपके हाथ। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तक नेटवर्क का खास कार्यक्रम आज का इतिहास। मैं हूं देशराज यादव। आज के दिन इतिहास में क्या रहा खास, जानिए इस रिपोर्ट में। 11 मार्च आज का दिन इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है। इस दौरान कई घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। आज के दिन 2011 में जापान के तोहुकू के पास समुद्र में 9 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया था। यह जापान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप की वजह से सुनामी भी आई और समुद्र में 133 फीट की लहरें उठी थी। इस भूकंप की वजह से फुकुशिमा दही की परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बड़ा नुकसान पहुंचा था, साथ ही रेडिएशन का रिसाव होने भी लग गया था। इस परमाणु हादसे के कारण इस संयंत्र के चारों ओर 80 किलोमीटर फैले लोगों को हटाया गया था। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी के अनुसार भूकंप और सुनामी के चलते लगभग 20,000 लोगों ने इस भूकंप में अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे में 1,00,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक भूकंप में 14.5 अरब डॉलर से 34.6 अरब डॉलर तक नुकसान हुआ था। आज के दिन 1980 में चंद्रभानु गुप्ता का निधन हुआ था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी व कुशल राजनेता थे। उनका मानना था कि जो काम करो वो लीक से हट कर करो। चंद्रभानु गुप्ता महज 17 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर ली थी। वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश में बनी पहली सरकार गोविंद बल्लभ पंत में मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट सेक्रेटरी के रूप में शामिल हुए। वर्ष 1960 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे।